दिनों दिन सियासी संकट गहराता जा रहा है। खुद प्रधानमंत्री इमरान खान भी समझ नहीं पा रहे कि विरोधी ताकतों से निपटें तो कैसे। वो ऐसे चक्रव्यूह में फंस गए हैं जहां से निकलने का रास्ता उन्हें नजर नहीं आ रहा। मोदी की कामयाबी की दुआएं मांगो तुम, मोदी से बात करने के लिए मरे जाओ तुम। जब नरेंद्र मोदी ने बार बार स्टेटमेंट दी कि हमें नवाज शरीफ पसंद है लेकिन हमें जो पाकिस्तान का आर्मी चीफ है वो दहशत गर्द है। एक तरफ पाकिस्तान में सत्ता की कुर्सी पर परेशान इमरान खान बैठे हैं तो दूसरी तरफ इमरान के खिलाफ चल रही है विपक्ष की लामबंदी। महज 2 साल 3 महीने हुए हैं इमरान के सत्ता संभाले, लेकिन चक्रव्यूह का ऐसा शिकंजा कसता जा रहा है कि इमरान के अकल ठिकाने आ गए। चक्रव्यूह का एक छोर संभाल रही है मरियम नवाज, दूसरे हिस्से पर खड़े हैं बिलावल भुट्टो, तीसरी तरफ सेना भी बड़ी चुनौती बनती जा रही है, तो वहीं चौथी ओर सिंध प्रांत की पुलिस ने भी चैलेंज कर दिया है। इमरान के लिए चक्रव्यूह का ये संकट गंभीर है क्योंकि मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। विपक्षी दलों का पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट नाम का गठबंधन एक्शन में है। इमरान ने अगस्त 2018 में सत्ता संभाली थी, तब उन्होंने पाकिस्तान को बदल डालने का वादा किया था, आतंकवाद के खात्मे का वादा दुनिया से किया था, लेकिन सेना के इशारे पर चलने वाली सरकार के खिलाफ अब मोर्चेबंदी मजबूत होने से लाचार होने लगी। गरीब आवाम से तुमने रोटी क्यों छीनी? जरा आओ और बताओ आवाम को कि गरीब आवाम से तुमने रोजगार क्यों छीना? आओ बताओ आवाम को कि बीमारों से तुमने दवाएं क्यों छीनी? 18 अक्टूबर का कराची में उमड़ा जनसैलाब उसी गुस्से का नतीजा है। पूरा विपक्ष इमरान को सत्ता से उखाड़ फेंकने की तैयारी में लगा है, लेकिन इमरान अपने विरोधियों की कारगुजारियां गिना रहे हैं। इसको हिंदुस्तान अखबारों के अंदर जो तारीफें हो रही हैं नवाज शरीफ की, बड़ा जी जमहूरी आदमी है, ये फौज को कह रहा है कि अपना काम करो क्योंकि नवाज शरीफ जमहूरी है। क्या हिंदुस्तान को नहीं पता कि जब जनरल ज़िया ने इसको गोद में बिठा के मुंह में दूध की चूसनी लगाई थी इसके मुंह में? इमरान का यह बयान कराची में हुए प्रदर्शन से ठीक एक दिन पहले का है। वजीर आजम की कोशिश है कि किसी तरह अपने ऊपर मंडरा रहे संकट को टाल दे, लेकिन लगता है कि 11 विपक्षी दलों के गठबंधन पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट यानी पीडीएम ने इमरान के बुरे दिनों की शुरुआत कर दी। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि पीडीएम की असली ताकत पाकिस्तान की ISI और पाक सेना है, क्योंकि गठबंधन की सोच के पीछे सत्ता को चलाने वाले यही दोनों हैं। दरअसल पाकिस्तान में ISI और सेना की रजामंदी के बगैर पत्ता भी नहीं खड़खड़ाता। ऐसे में सवाल है कि इमरान की चक्रव्यूह वाली घेरेबंदी के असली सूत्रधार क्या ISI और पाक सेना ही है? वैसे तो पाक सेना प्रमुख जनरल बाजवा को इमरान का करीबी माना जाता रहा है, लेकिन इन दिनों समीकरण बदले बदले से दिखते हैं। पाक हमेशा से आतंकियों का मददगार रहा है, लगातार फंडिंग करता रहा है। ISI और पाकिस्तान की सेना हमेशा भारत के खिलाफ आतंकी साजिशें रचती रही है। ऐसे में इमरान की एक और मुश्किल है, FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने इमरान सरकार को 27 एक्शन प्लान बताए थे जिनमें से अब तक 6 पर अमल नहीं हुआ। ऐसे में फिलहाल पाकिस्तान के ग्रे लिस्ट से बाहर आने की उम्मीद नहीं है। आज से हो रही FATF की बैठक में कुछ कड़े फैसले लिए जा सकते हैं। मतलब ये कि इस मोर्चे पर इमरान का संकट फिलहाल कम होने वाला नहीं है। आज तक ब्यूरो।